हेलो दोस्तों, हेमू प्रांजू किचन में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल और धुली हुई उड़द दाल का चिला विद नारियल चटनी। यह वेजी चिला है जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिया है भिगोया हुआ चने का दाल और उड़द की दाल जो बिना छिलके वाली है, छिले हुए लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा। अब इसे हम बारीक पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मिर्चा, लहसुन, अदरक को जार में डाल दिया और भिगोए हुए दाल को भी डाल दिया। यहाँ पर हमने हाफ हाफ लिया है उड़द की दाल और चने की दाल, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हींग का टुकड़ा, क्योंकि हमारे पास पाउडर नहीं था तो हमने टुकड़े को डाल करके पीस लिया है, जीरा आधा चम्मच के लगभग और पानी। पानी पीसने के बाद जैसी क्वांटिटी होगी, पतला या गाढ़ा, उस हिसाब से हम बना लेंगे। यहाँ पर हमने पीस लिया तो इसमें हम तड़का लगा देते हैं जीरा और राई का। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब यहाँ पर हमने सब्जियों को भी कट कर लिया था, शिमला मिर्च है, क्रश किया हुआ है गाजर, मटर और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े, और यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट या क्रश किया हुआ हरी मिर्च। इधर हमारी कढ़ाई गर्म हो गई थी तो हमने इसमें तड़का लगा दिया राई का। अब हमारा राई जब गर्म हो गया, चटक गया, तो हम इसमें कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची को डाल करके थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे चलाते हुए। प्याज जब हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो यहीं पर हमने धनिया पाउडर, घर का पिसा हुआ, और मैगी मसाला ऐड किया है। मैगी मसाला ऐड करने से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। हल्दी पाउडर, नमक हल्का सा ही रखेंगे क्योंकि हमने बैटर में भी नमक ऐड किया है। अब हमने जो सब्जियों को कट करके क्रश करके रखा था उसे भी ऐड कर लेंगे। आप गाजर क्रश नहीं करना चाहते तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट भी कर सकते हैं। अब इसे हम मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पर हम ऐड करते हैं पनीर जो कटे हुए रखे थे, इसे भी अच्छे से चलाएंगे। तो हमने इसे चलाते हुए मिक्स कर लिया है तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो मटर थी वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो इधर हमारा 2 मिनट हो चुका था तो यहाँ मटर भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहीं पर हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। अब इधर हमने पैन गरम कर लिया था चिला बनाने के लिए, इसे ऑयल से ग्रीसिंग कर लिए। अब इसमें हम चिला का जो बैटर था उसे डाल करके फैला देंगे, बिल्कुल डोसे की तरह ही बनाना है। अब साइड से हम इसमें हल्का सा ऑयल डाल देते हैं, वैसे तो ये छोड़ देगा बट ऑयल डालने से थोड़ा सा और आसानी हो जाता है इसे छोड़ने में। तो देखिए हमारा क्रंची चिला जो है तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और प्लेट में कट कर लेते हैं स्लाइसेस में। अब इस पे हमने जो वेजिटेबल फिलिंग के लिए तैयार किए थे उसे स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, और इसे हम फोल्ड करते हुए रोल की तरह तैयार कर लेते हैं। तो तैयार है हमारा
टेस्टी यम्मी वेजी चीला बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बच्चों क्या सभी को पसंद आता है। और नारियल की चटनी चटपटी सी, तो आप भी इस तरह से बनाइए जो हेल्दी भी होता है खाने में। धन्यवाद।